प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास फिफ्थ के इंग्लिश के फिफ्थ चैप्टर एडिंग कलर्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्लस इसका बुक वर्क लेकर आया हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क को कम्प्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो वीडियो देख लो और उसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपने आप करने में कामयाब हो जाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 36 निकालिए। हमेशा वीडियो देखने से पहले आप बुक लेकर बैठो ताकि आपको मीनिंग्स वगैरह लिखने में ईजी हो। तो इसमें हमारे पास है ग्लोसरी, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, इसमें तो कुछ ही हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। पहला है टाइडी, इसमें होता है अरेंज नीटली एंड इन एन ऑर्डर, यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को बड़े ही साफ सुथरे तरीके से करीने से रखना, उसे हम कहते हैं टाइडी। बाय, बाय मतलब होता है खरीदना। टू गेट समथिंग बाय पेइंग मनी फॉर इट, किसी चीज़ को उसके लिए पैसे देकर खरीदना। नेक्स्ट है काउंट, काउंट मतलब होता है गिनना। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन ए ग्रुप, किसी समूह में कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं, इन सब की गणना करना, गिनना, उसे हम कहते हैं काउंट करना। चेंज, चेंज होता है खुले पैसे, बचे हुए पैसे, छुट्टे पैसे, रेजगारी। द मनी दैट यू गेट बैक व्हेन यू हैव पेड फॉर समथिंग गिवन मोर मनी देन द अमाउंट इट कॉस्ट, जब आप किसी को किसी चीज़ के पैसे देते हो, मान लो चीज़ 100 रुपये की है और आपने उसको 120 रुपये दिए, तो जो बचे हुए 20 रुपये आपको मिलते हैं वो होते हैं चेंज। पर्पल, द कलर ऑफ ब्लू एंड रेड मिक्स टुगेदर, बैंगनी रंग को हम पर्पल रंग कहते हैं, जब हम लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तब हमारे पास बैंगनी रंग आता है। कपल होता है पति पत्नी, जोड़ा, हस्बैंड एंड वाइफ। अब हमारी पहली एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि इसमें कोई ना कोई शब्द आएगा वो हमें भरना है। पहला है वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक टू, हमें भूरा रंग कैसे मिलता है, जब हम काले रंग में कौन सा रंग मिलाते हैं, जब हम काले रंग में वाइट कलर मिलाते हैं तब हमें भूरा रंग मिलता है। नेक्स्ट है टू गेट ग्रीन कलर, हरा रंग पाने के लिए वी शुड मिक्स डैश एंड येलो, हमें कौन से रंग को मिक्स करना होगा, ब्लू एंड येलो कलर को जब हम मिक्स करेंगे तब हमारे को कौन सा रंग मिलेगा, नीला रंग मिले, ग्रीन कलर मिलेगा। इफ वी मिक्स रेड एंड डैश कलर वी गेट पर्पल कलर, अगर हम लाल और कौन से रंग को मिक्स करते हैं, ब्लू कलर को मिक्स करते हैं, लाल और नीले को मिक्स करते हैं, तब हमें कौन सा रंग मिलता है, पर्पल रंग मिलता है। तो क्वेश्चन है विच कलर डू यू नीड टू गेट पिंक कलर, पिंक कलर के लिए हमें कौन से कलर चाहिए होते हैं, वी नीड वाइट एंड रेड कलर्स टू गेट पिंक कलर, पिंक कलर के लिए हमें दो रंग चाहिए होते हैं, वाइट कलर और रेड कलर, जब हम वाइट और रेड कलर को मिक्स करते हैं तो हमें पिंक कलर मिलता है। सेकेंड है व्हाट कलर इज द मिल्क, दूध का कौन सा रंग होता है, तो बच्चों आपको पता है ना वाइट कलर इज द मिल्क, दूध का कौन सा रंग होता है, सफेद रंग होता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन यू गेट ऑरेंज कलर, आपको ऑरेंज रंग कैसे मिलेगा, नारंगी रंग कैसे मिलेगा, वी कैन गेट ऑरेंज कलर बाय एडिंग येलो टू रेड कलर, अगर हम येलो में रेड कलर मिलाते हैं तब हमें ऑरेंज कलर मिलता है। Why should we count the change after buying something? किसी चीज को खरीदने के बाद हमें बचे हुए पैसों को क्यों गिनना चाहिए? We should count the change after buying something to be sure about amount. हमें
हमें कितने पैसे मिले हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं, तो उसके बाद जो हमें पैसे मिलते हैं हमें उन्हें क्यों गिनना चाहिए? क्योंकि हम कन्फर्म कर सकें कि हाँ हमारे पैसे एकदम सही हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये करने के लिए हमें बाद में छुट्टे पैसों को गिनना चाहिए। अब कुछ कलर हैं, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये है येलो कलर। अब आपको ये बताना है यहाँ पे येलो कहाँ है। देखिए ये येलो कलर है और ये यहाँ पे ये लिखा हुआ येलो। फिर है रेड, बताओ बच्चों रेड कहाँ पर है। नेक्स्ट ये है ग्रे, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन, ये है हमारे पास ऑरेंज, ये है ब्लू कलर, नीला रंग है ये है पिंक, गुलाबी रंग है ये, और लास्ट है हमारे पास में, ये है हमारे पास पर्पल, बैंगनी रंग है। तो हमने इधर हमारे पास कलर्स दिए हुए हैं, इधर हमने कलर के नेम है, दोनों को हमने मैच किया है। अब हमारे पास है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे कि जिनकी लास्ट वाली साउंड सेम होती है, जैसे कि पैन, टैन, कुक, हुक, बुक, ऐसे कलर्स को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब हमें इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है। पहला वर्ड है ट्रे। देखिए ये पोएम आपके सामने है। अब आप बोलेंगे देखिए ग्रे, लास्ट वाला वर्ड हमेशा देखना होता है, ग्रे प्रे, मिल गया ना, ट्रे ग्रे प्रे, मिलते जुलते वर्ड्स है ना बच्चों, तो यही हमें यहां पर लिखने हैं। ग्रे प्रे, स्क्रीन ग्रीन एंड क्लीन, ये मिलते जुलते वर्ड हो गए स्क्रीन के। नेक्स्ट है थिंक, थिंक का आ जाएगा पिंक और ड्रिंक, समझ गए ना, अब आपको खुद ही राइमिंग निकालनी आ जाएगी ना बच्चों। अब इन वर्ड्स को आपको जोर जोर से बोलना है, जैसे कि रेड हेड, सेड बेड, ब्लैक पैक, रैक बैक, ब्लू यू टू शू, व्हाइट हाइट, राइट लाइट, आपको इन वर्ड्स को बड़े आराम से बोलना है। अब यहां पर आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो तो उनमें आप जो जो वेजिटेबल लेकर आते हो और इन वेजिटेबल कलर्स का आपको नेम लिखना है। कि कौन सी वेजिटेबल किस कलर की है। तो देखिए जैसे कि आप जाते हैं, कि आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो आपको जो जो वेजिटेबल, जैसे कि ब्रिंजल है, ब्रिंजल का पर्पल कलर होता है, टोमेटो का रेड कलर होता है, आपको ऐसे ही खुद आप सब्जी मार्केट जाना, मम्मी के साथ सब्जी मंडी जाना और जो जो सब्जी आप लेकर आओ उनमें आप ये नोट करके मुझे बताना। नेक्स्ट है ड्रा ए रेनबो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं, इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उन रंगों को याद करने का एक शॉर्टकट है जिसे हम कहते हैं विबग्योर। अब इसमें क्या होता है, इंद्रधनुष के अंदर जो ये सात रंग होते हैं वो सब के सब रंग इसमें आ जाते हैं। देखिए पहला कलर है वॉयलेट, वी से बनता है वॉयलेट, आई से बनता है इंडिगो, ये आपको सब बच्चों याद करनी है, बी से बनता है ब्लू, जी से बनता है ग्रीन, इससे बनता है येलो, इससे बनता है ऑरेंज,
और लास्ट बनता है आर से बनता है रेड, वॉयलेट होता है बैंगनी। तो ये आप बच्चों याद कर लोगे, वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी, इंडिगो नीला, ये जो हमने इंडिगो होता है जो नील का रंग होता है, ये सारे आपने याद करने। वेजिटेबल्स पर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, आप वो देख लीजिए, तो आपको वेजिटेबल मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सारे कलर्स वहीं की वहीं मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर 5 है ये कंप्लीट होता है। ये सेकंड पार्ट है, आप दोनों पार्ट बड़े आराम से देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप क्लास में फर्स्ट आएँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।